नमस्कार, मैं हूं शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आप लोग के पास में आज फिर हाजिर हो चुका हूं येस बैंक का वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो क्यूरियस था सर वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स थम टेक्निकल इशू था, इसका वजह से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था मेरा यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मैं आप लोग के पास क्षमा मांगना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू जैसे वीडियो बना रहा था ऐसे वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 फरवरी का दिन में येस बैंक के ऊपर और साथ ही साथ और एक बैंक में जो कि ऐड किया है इधर, आप देख सकते हो थंबनेल में बैड बैंक। ये बैड बैंक है क्या, ये बैंक स्टॉक में रैली के बिग रीजन क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ येस बैंक का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हो, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल वाला घंटी आइकन को ऑन करके रखिए, जैसे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो लिंक को क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उधर भी मैं अच्छा अच्छा शेयर पोस्ट करता हूँ, इंट्राडे बेसिस ऑप्शन एंड इक्विटी का भी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैड बैंक। बैड बैंक क्या है, क्या ये खराब बैंक है? नो फ्रेंड्स, ये कुछ भी खराब बैंक नहीं। बैड बैंक मींस एक बहुत ही अच्छा बैंक जो कि इंडिया में आने वाला है। मींस ये क्या सच्ची में कुछ बैंक एक आने वाला है ऐसा? तो जो कि मैं आप लोग को जैसे कि बताऊँगा, बैड बैंक ऐसा एक बैंक है, आप जाके गूगल करके भी देख सकते हो। बैड बैंक ऑलरेडी बहुत सारा कंट्री में चल रहा है। तो इसका ये बैंक का काम क्या है उसमें छोटा सा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो बैड बैंक ऐसा एक बैंक जो कि सपोज कोई बैंक, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, कोई भी बैंक है, ये बैंक को अगर इसका कुछ NPA जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे बोलते हैं ना हम लोग बैड लोन, जैसे कि हो गया बैड जो लोन देते हैं हम लोग, सब कोई बैंक लोन दिया है और लोन रिकवरी नहीं होता है, वो क्या करते हैं ना NPA में चला जाता है। तो इसको NPA का जो बैड लोन का जो यही कंट्रोल करेगा बैड बैंक। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा जो कि अपना FM जो कि एस्टरडे का जो अपना अनाउंसमेंट हुआ था अपना बजट में ये बात किए है, बहुत ही अच्छा बैट, बट ये अभी तक हमारा इंडिया में यूटिलाइज नहीं हुआ है, खूब जल्द हो सकता है। क्योंकि जो हिसाब से आपको मालूम होगा सरकारी बैंक में जो हिसाब से NPA का इश्यू है, तो वो हिसाब से सबसे पहले बैड बैंक आना चाहिए। पहले ये बैड बैंक काम करेगा PUC सेक्टर में, देन प्राइवेट सेक्टर में ये भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम लोग छोटे से मैं बता दूंगा, चाहूँगा जो बैड बैंक क्या है ना, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है गवर्नमेंट का थ्रू में, कल तो बात छेड़ चुके हैं जो कि FM, बट आगे चलेगा। तो ये जो बैड बैंक का जो मैटर जो है ना, खराब बैलेंस शीट, जो कि बैड बैलेंस शीट कोई भी बैंक का कुछ खराब बैलेंस शीट रहता है तो उसको क्या करेंगे ना, ये चला जाता है NPA का पास। NPA होना नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, जो कि हम लोग रिकवर कर नहीं पाता है बैंक। और उसके बाद बैंक का क्या होता है ना, बैलेंस शीट खराब हो जाता है। इसीलिए FM बोले है ARC मैनेज करेगा। ARC मैनेज करेगा मतलब, और एक वर्ड आ गया ARC मैनेज, ARC ना ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको हैंडल करेगा जो कि बैड बैंक का थ्रू में। तो उसको क्या करेगा वो ना, जो अपना जो NPA को ये इनका पास दे देंगे। एक सरल भाषा में आपको बताना चाहूँगा, सपोज आप किसी को उधारी दिया है 10 रुपये, ओके, और आपने जो उधारी दिया है आपको वो पर्सन ने आपको पैसा नहीं दे रहा है, आजकल कर रहा है वो नहीं दे रहा है, आप क्या करोगे, बीच में एक मीडिएटर को घुसाओगे और उसका थ्रू पैसा निकालोगे। जैसे निकालोगे तो वो क्या करेगा, मीडिएटर भी कुछ ना कुछ तो परसेंटेज लेगा आपसे और बाकी का पैसा आपको भी रिटर्न करेगा। ये एक फर्दर एग्जांपल दिया, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, बट 99% इसको मानकर चलिए बैड बैंक का काम यही है। तो फ्रेंड्स,
बैड बैंक जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, जिसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है उसका ऊपर, जिसका फंडामेंटल खराब हो जाता है, अगर एनपीए आ गया तो फंडामेंटल कोई भी बैंक का खराब हो जाता है। फॉर द एग्जांपल आपका पास आइडिया बड़ा फोन, आप देख सकते हो कैसा कौन सा शेयर कितने में चल रहा था, अभी कितने में चल रहा है। तो आपका सामने भी जो है येस बैंक, जो कि बैड लोन का थ्रू में आज भी बहुत ही कष्ट में जूझ रहा था, अभी तो थोड़ा इसमें राहत आ गया है। उसके साथ साथ DHFL जो कि बुरी तरह से मर चुका है बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यही येस बैंक को डुबाने को चक्कर में बैठा था। उसके साथ साथ इंडोसिन बैंक जैसे कि 2000 रुपये का शेयर आज आकर 905 जो कि 600 रुपये का आसपास चल रहा था, अभी 4 डिजिट में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो बैड बैंक यही सब क्या करेगा ना, इनको कंट्रोल करेगा एनपीए को, और वो उसके बाद फंडामेंटल कोई भी कंपनी का और बैलेंस शीट कोई भी कंपनी का अच्छा हो सकता है। तो हमको मानकर चलेंगे, सपोज बैंक ने 10 आदमी को इधर लोन दिए हैं, ओके, 10 का 10 आदमी सबका सब 9 आदमी ने लोन रिपे कर दिए है, बट एक आदमी अगर लोन रिपे नहीं करता है तो वो बैंक जो देता है तो बड़ा बड़ा लोन देता है, अगर ये उनका बैलेंस शीट में एक खराब चित्र बना देता है जो कि उसको बोलते हैं एनपीए, उसको ही कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियली हिसाब से अभी तक नहीं आया है इंडिया में, बट बहुत जल्द आ जाएगा जैसे कि निर्मला सीतारमण ने बोल चुके हैं। तो आप मालूम पड़ गया होगा बैड बैंक के बारे में जो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग अभी जाएंगे आज का जो कामकाज के ऊपर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स निफ्टी ने जबरदस्त 2 दिन की बहुत ही मस्त ये क्या न्यू हाई मार रहा है, आज भी न्यू हाई मारा और निफ्टी 14,647 का ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। उसमें देखेंगे 43 स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 का ग्रीन जोन में है और 7 स्टॉक बैड सॉरी रेड जोन में है। आज का जो टॉप फाइव है गेनर, टॉप फाइव में आप देखो टाटा मोटर जो कि अपर सर्किट भी लगा था इसमें, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI और UPL। आप लोग मालूम होगा मैंने आप लोग को ऑलरेडी टाटा मोटर दिया है जो कि 85 रुपीज़ में मैंने आपको बोला है, और लेकर चलिए आपका टारगेट में दिया था 400 रुपीज़, अभी खूब कम दिन में ये आपको टारगेट मिल ही जाएगा। SBI आप लोग को मैंने 180 रुपीज़ में दिया था हाथ में, अगर आपने मेरा यूट्यूब में चैनल में जाके देखिए मेरा SBI का वीडियो, 180 में मैंने दिया था, आज वो शेयर आके 330 का ऊपर दौड़ गया। तो आप इसमें समझ सकते हो मेरे साथ में जुड़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलता है। चलिए फ्रेंड हम लोग अभी बात करेंगे जो कि येस बैंक के ऊपर। अभी 2 दिन से जो हिसाब से रैली चल रहा है बैंकिंग सेक्टर और निफ्टी में, इसका रीजन एक ही है जो कि बैड बैंक का जो न्यूज़ दिए है FM, उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही बड़ा रैली चल रहा है। हम लोग देखेंगे येस बैंक का आज का दिन का जो क्लोजिंग 16.55 का, और प्रीवियस जो क्लोजिंग था 16.40 का, ओपनिंग 16.55 में हुआ था और हाई भी 16.85 का लगा कर रखा है। देखिए फ्रेंड आज का दिन में भी इधर बाइंग क्वांटिटी लगा हुआ है जो कि मार्केट क्लोज होते होते बाइंग क्वांटिटी इधर भी पड़ा है बहुत सारे। तो हम लोग आज का दिन का देखेंगे परफॉर्मेंस, इसमें तो येस बैंक में तो परफॉर्मेंस का कमी अच्छा नहीं ख़राब नहीं है कभी भी। परसेंटेज ऑफ डिलीवर देखेंगे 35% का डिलीवरी आज का दिन में गया है जो कि येस बैंक में। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, चाणक्य आचार्य क्या बोलते थे ना, कोई भी चीज कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए फ्रेंड्स। तो यही चाणक्य का यही नीति को आपको अवलंबन करना है येस बैंक के ऊपर। अगर आप सोचते हैं जो येस बैंक मेरा पास है मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा, ये सबसे बड़ी गलती आपका होगा जो कि मैं बोलूँगा। अरे जिधर से आप लोग 400 रुपये का शेयर को सेल नहीं कर पाए, जिधर 80 रुपया था उधर सेल नहीं कर पाए, जिधर 5 रुपया 50 पैसा आने के बाद उधर सेल नहीं कर पाए, तो अभी सेल करने के लिए कैसे आप लोग सोच सकते हो। मैंने आपको बोला था मेरे टेम्प्रेरी बेसिस में अगर आप लोग कोई 12 रुपीज़ की 14 रुपीज़ में कोई शेयर लेकर बैठे हैं वो लोग के लिए अभी भी है, होल्ड कीजिए फ्रेंड। अगर आप लोग जो 16 रुपीज़ में जिसको मैंने बोला था जिसका बाइंग था
16 रुपीज़, और जब ये 17-18 रुपीज़ होने के बाद जैसे 16 रुपीज़ तरफ आ रहा था, मैंने बोला था टेम्पररी बेसिस में 16 रुपीज़ को आप एग्जिस्ट कर दीजिए येस बैंक में, क्योंकि आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। अभी फिर जैसे क्लोजिंग दे रहा है 16 का ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आप बाइंग करके चलिए। आपका बड़े बड़े एनालिस्ट क्या बोलते हैं फ्रेंड मालूम है आपको, येस बैंक के ऊपर टारगेट के ऊपर टारगेट दे रहे, कोई दे रहा है 25 रुपया, कोई दे रहा है 30 रुपया, कोई दे रहा है 40 रुपया। टीवी एनालिसिस तो ज़बरदस्त इसको होल्डिंग करके लेकर चले और लॉन्ग टर्म बेसिस में टारगेट दे रहे, 180 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, जो कि 1 ईयर के अंदर 2022 आते आते येस बैंक आपको 200 रुपया का टारगेट दिखा सकता है, जो कि बड़े बड़े एनालिसिस बोल रहे हैं, जो कि आप लोग को ये भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो येस बैंक आप लोग के पास है, बिंदास फ्रेंड बैठिए, लेकर बैठिए, और आपको उसमें जो भी शेयर ले रहे हो आज कल परसों के लिए मत लीजिए, इसको आपको होल्ड कर रखना है। कम से कम तो इसको 6 मंथ 1 ईयर का तो टाइम देना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, तभी आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर शॉर्ट टर्म टारगेट, किसी को मेरे को आया था मैसेज सर शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को मैं बोला है 20 रुपीज़, जो कि मेरा ऑलरेडी टारगेट दिया था वो भी हम लोग हिट किए थे, 20 रुपीज़ टारगेट लीजिए। जो लोग बोलते थे मेरे को और ऊपर का टारगेट चाहिए 25 रुपीज़, ये भी टारगेट लेकर आप चल सकते हो 1-2 महीने के लिए, बहुत ही शानदार है, कुछ भी इशू नहीं, आपको लॉस ना के बराबर है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है येस बैंक में, ये आपको सोच कर चलिए। जो हिसाब से अगर बैड बैंक का इफेक्ट आ गया, जैसे बैड बैंक का आएगा ना, इसका एनपीए का जो बैड बैंक लेगा येस बैंक के थ्रू से, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, उसका बैलेंस शीट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो और अच्छे से ये भागने के लिए तैयार हो जाएगा येस बैंक आगे के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्यू, और आप लोग को और एक अनाउंसमेंट में बोलना चाहूँगा, जो कि आप लोग को मैं काफ़ी दिन से नहीं बोला था। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा अलायंस ब्लू में जो ऑफर चल रहा था 31 जान तक ये ऑफर था, जो कि फ्री अकाउंट ओपनिंग का, बट इसको अलायंस ब्लू ने फिर बढ़ा दिए है, और वो बढ़ाकर किधर तक लिए ना, 15 फरवरी तक ये फ्री अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी रखे है। अगर आप लोग चाहते हो मेरे थ्रू में अकाउंट ओपन करना है, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलायंस ब्लू का, उधर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो नहीं मेरे जीरोदा में अकाउंट ओपन करना है, जीरोदा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक है। बट अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है मेरा लिंक थ्रू, जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, अभी भी फ्री मिल रहा है अलायंस ब्लू, तो मैं आपको मेरा सपोर्ट ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिधर की पर डे बेसिस में आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो कि ऑप्शन फ्यूचर एंड इक्विटी का भी। अगर आप लोग मेरे साथ में फ्री में ज्वाइन होना चाहते हो तो एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए अलायंस ब्लू, नहीं तो जीरोदा, तो मैं आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिधर कि आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा देने का कुछ भी ज़रूरत नहीं, और बिंदास मेरे साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे और अच्छा ही पैसा निकालेंगे, जो कि आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी मेरा टेलीग्राम चैनल में जाकर। तो फ्रेंड्स ये था मेरे तरफ से मेरा व्यू, आशा करता हूँ आप लोग अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक, अगर आपको कुछ इशू है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9930262685 में मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। चले फ्रेंड्स ये था अपडेट येस बैंक के ऊपर से, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीयूसी सेक्टर बैंक में आप अभी भी दौड़ लगा सकते हो, बड़ी अच्छे टारगेट अभी भी मिलने का मौका अभी भी है। तो चले फ्रेंड्स कल हम लोग आएंगे, फिर बात करेंगे निफ्टी का ऊपर, अगर आपको वीडियो चाहिए बैंक निफ्टी का ऊपर आपको वीडियो चाहिए मैं पोस्ट कर दूंगा, इसके लिए आपका कमेंट्स आना चाहिए तभी मैं पोस्ट करूंगा। और टाटा मोटर्स में जैसे बोला था वैसे भी हो रहा है, तो उसके लिए भी टाटा मोटर्स कल के लिए भी नज़र रखिए, और बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होते हो, मैं उधर भी मेरा जो व्यू पोस्ट करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर से, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।